Hello students, in the last lecture I have discussed about the stem, the above ground part of the plant axis. Now I am going to discuss the types of the stem, and on the basis of the growth and spread there are three types of the stems: aerial stem, subaerial stem and underground stem. So aerial stem jo hote hain, they are born, they are erect and they can be stand erect and in the upright position, right? They have sufficient mechanical strength, in mein mechanical strength sufficient hota hai, so as to keep them in keep them erect in the upright position. Theek hai, they can stand erect in the upright position due to sufficient mechanical strength. Now these aerial stems, they can be branched or they can be unbranched. Aerial stems jo hote hain, they can be branched or unbranched both. Theek hai, ab ye aerial stems jo hote hain, they can also be erect, they can be reduced or they can be weak. Theek hai, ye jo aerial stem honge, they can be erect also, they can be weak also, or they can be reduced also. So next type of the stem, it is subaerial stem. This subaerial stem, they are weak stem, weak hai, so they cannot stand erect at themselves. They need some support, kisi object ka support lenge, either they will run parallel to the soil surface, means they will be the creeping stem, right? So weak stem kya, subaerial stems kya hote hain, they are weak stem. ठीक है, एंड दे रन पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, सो दे आर क्रीपिंग स्टेम्स, राइट? एंड दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड इन द अपराइट पोजिशन. नाउ इफ दे आर इन अपराइट पोजिशन, सो दे नीड दे सपोर्ट. अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन साइड द सॉइल, सो दे आर सबटेरेनियन इन नेचर. ठीक है, सो अंडरग्राउंड स्टेम्स, दे आर सब टेरेनियन इन नेचर, मीन्स दे ग्रो इन साइड द सॉइल. सबटेरेनियन नेचर का मतलब क्या हुआ, दे ग्रो इन साइड द सॉइल. नाउ स्टेम्स जो है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, दे आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स. मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी ये तीन तरीके के होते हैं. जैसे मैंने बताया, दे कैन बी इरेक्ट, दे कैन बी वीक और दे कैन बी रिड्यूस्ड स्टेम. तो इरेक्ट स्टेम वही होंगे जिनमें कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगा और जो कि कैपेबल होंगे अपने आप को अपराइट पोजीशन में रखने के लिए. बट वी एंड फिर यही वाली बात है कि इरेक्ट स्टेम जो होंगे, दे मे बी ब्रांच्ड. इरेक्ट स्टेम्स क्या होते हैं, दे मे बी ब्रांच्ड और दे मे बी अनब्रांच्ड, राइट? लेकिन वीक स्टेम्स क्या होंगे, वीक स्टेम्स क्या होते हैं, दे आर नैरो, दे आर थिन, दे आर सॉफ्ट स्टेम्स. वीक स्टेम्स क्या होंगे, दे आर नैरो, दे आर थिन एंड सॉफ्ट स्टेम. तो आपको समझ में आ रहा है कि दे कैन नॉट स्टैंड erect in the upright position, so they always need support. ये इनको क्या होगा, they always need support to stand erect in upright position. Next is reduced stem. Reduced stem में क्या होता है कि इनमें जो internodes होते हैं ना, all the internodes they are reduced. And the nodes, they come at one point. जैसे मान लो ये एक stem है, stem में क्या होता है, nodes present हैं और ये these are the nodes and the spaces between two nodes, they are known as internodes. तो क्या होगा, जब internode ये space, ये जो space है एकदम reduce हो जाएगी, तो सारे node क्या होंगे, they will come at one point. ठीक है, एंड इन दिस वे दे विल फॉर्म अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस टाइप ऑफ स्टेम इज नोन एज द रिड्यूस्ड स्टेम. तो रिड्यूस्ड स्टेम में क्या होगा, इंटरनोड्स इसमें क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, है? और क्या होगा,
रिड्यूस हो जाएंगे, इंटरनेट नोट्स रिड्यूस्ड एंड नोट्स क्या होंगे, दे कम एट वन पॉइंट राइट. एंड सच टाइप ऑफ प्लांट इन विच रिड्यूस्ड स्टेम्स आर प्रेजेंट दे आर नोन एज इकोलसेंट प्लांट. सच टाइप ऑफ प्लांट इन विच द रिड्यूस्ड स्टेम्स आर प्रेजेंट आर नोन एज द इकोलसेंट प्लांट राइट. तो जब नोड्स एक जगह पे आ जाएंगे तो क्या होगा, दे विल फॉर्म अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, डिस्क लाइक स्टेम और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. दिस मे बी कॉन्वेक्स डिस्क, दिस मे बी कॉन्केव डिस्क राइट. सो सच टाइप ऑफ स्टेम इज नोन एज रिड्यूस्ड स्टेम. सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ एंड स्प्रेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम आई विल डिस्कस इन ऑल द केसेस, इन अंडरग्राउंड स्टेम, इन सब एरियल स्टेम एंड इन द एरियल स्टेम्स. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इन अंडरग्राउंड स्टेम्स. Modification of stem, modification of underground stem, modification of underground stem. So, this modification of underground stem is basically this modification is performed for the various purposes, like for the purpose of photosynthesis, for the purpose of storage of food, for reproduction, and for the perinating structures. So, there are many purposes. What are the purposes for the modification? So, purpose. For modification is the purposes for modification. It may be photosynthesis. PS stands for photosynthesis. It may be storage of food. It may be reproduction, and it may be perinating structure. Okay, perinating structure in adverse condition. So these are the purposes for which the modification takes place in the stems. Perinating structures are also known as the resting structures. Okay, perinating structures or the resting structure. First, we will discuss the modification of underground stem, and this we will discuss in the four categories. In this modification, we will discuss four categories. First is rhizome. Second, comb. Third category, rhizome, comb, tuber and bulbs. Tuber and bulbs. So first I'll discuss rhizome. Rhizomes kya hote hain? They are perennial, underground, perennial and fleshy structures. Rhizomes are underground, perennial and fleshy structure, right? अब ये stem है तो उस पर क्या होगा, nodes and internodes पढ़ेंगे, present रहेंगे. But these rhizomes are, these are condensed structure, condensed and elongated branches. These are condensed structure, condensed stem, and they may be branched or may be unbranched. ये branched भी हो सकते हैं, and they may be unbranched also. Let's take this example of a rhizome. हम एक rhizome का example लेते हैं, for example ginger. और ginger के एग्जाम्पल को लेकर वी विल डिस्कस
What is rhizome? So here it is the structure of a rhizome. This is ginger. Ginger ka rhizome hai. Aapne dekha hoga gharon mein gingers. Theek hai? Now this structure, it consists of nodes and internodes. Isme nodes bhi hoga aur internodes bhi honge. Theek hai? So ginger, it will consist of nodes and internodes, dono present hoga. Now nodes ke upar kya honge? Buds present hoga. Nodes ke upar buds present rahenge like this. Theek hai? So ye kya hai? This is this is node, and the space between two nodes, they are known as internodes. Now the buds are present over the nodes. These are the buds. Now this bud, it is present on the axil of leaf. Ab rhizome mein kya hota hai, ek leaf present hoti hai. That leaf is not the green leaf. Theek hai? Isme jo leaf hoti hai, this leaf is known as the scaly leaf. It is non green leaf. These are the scaly leaf. Rhizome mein jo leaf present hoga, they are non-green. Scaly leaf, they are non-green, and they are also known as these scaly leaves. They are also known as the catophylls, right? To ye jo aap dekhoge ki jahan pe bhi nodes hai wahan pe is tarike se kai sare scaly leaves present rehti hai rhizome ke upar in case of ginger. ठीक है, so these all are the scaly leaves. So this scaly leaf, it covers the bud. अब क्या होगा? And this bud is axillary bud because it is present in the axil of leaf, and the leaf is scaly leaf. मैंने बताया था scaly leaf क्या होता है? It is non-green leaf, and this scaly leaf is also known as catophyll. Terms को आप बड़ा ध्यान दें bio के. वॉटी के टर्म्स को. अब क्या होगा? ऑन द फेवरेबल सीजन, जैसे फेवरेबल सीजन आएगा, दिस बड विल स्प्राउट. जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है, ये बड क्या होगा? दिस विल स्प्राउट एंड गिव राइज टू द लीफी शूट. ठीक है, सो ऑन बड, ऑन फेवरेबल सीजन में it will sprout, bud will sprout and give rise to the leafy shoot. ठीक है, so this is the leafy shoot which are formed by the bud present over the ginger. Now at the lower surface, of ginger, many adventitious roots will be present here. So these are the adventitious root which are present on the lower surface of the ginger. So this is how the reproduction, how the rhizome, it plays very important role in vegetative propagation as well as in perination, right? So let's see few examples of rhizome. एक example तो आपने ginger के यहाँ देख लिया. तो ginger जो होगा ये कैसा rhizome होगा? Branch होगा कि unbranched होगा? Yes, it will be a branched rhizome, क्योंकि यहाँ पे आप कई सारे branches जिसके देख रहे हो. तो ginger क्या है? It is a branched rhizome. उसके अलावा rhizome आपको और कहाँ मिलेगा? Let's see few more example. Banana is also the example of a rhizome. ठीक है, banana is the example of a rhizome. Third is adiantum. Adiantum is a fern. Fern is pteridophytic plant. Adiantum क्या होता है? It is a fern which is a pteridophytic plant. And जैसे ginger is unbranched, but adiantum it is, ginger is branched, adiantum it is unbranched rhizome, right? Next structure which I will be dealing here is the comb. Second underground structure is comb. ठीक है,
कॉम क्या होते हैं? कॉम्स, दे आर ऑल्सो द कंडेंस्ड स्टेम. और कॉम्स को और क्या कह सकते हैं? कॉम्स दे आर रिड्यूस्ड राइजोम. ठीक है, कॉम्स को और क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड राइजोम्स. सो कॉम्स दे आर कंडेंस्ड स्टेम और रिड्यूस्ड राइजोम्स. कॉम्स आर कंडेंस्ड स्टेम्स एंड रिड्यूस्ड राइजोम्स. ट्यूबर एंड बल्ब्स इसके बाद हम देखेंगे. कॉम्स क्या होते हैं? दे आर स्फेरिकल और सब स्फेरिकल इन नेचर एंड दे कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल बड्स. कॉम्स क्या होंगे? दे आर स्फेरिकल और सब स्फेरिकल इन नेचर. ठीक है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल बड्स. इसमें क्या, किस तरीके के बर्ड्स प्रेजेंट रहेंगे? एक्सटर्नल बर्ड्स प्रेजेंट रहेंगे. इन केस ऑफ कॉम्स विच टाइप ऑफ बर्ड्स विल बी प्रेजेंट हियर? दिस आर द एक्सटर्नल बर्ड्स. ठीक है, तो इसी तरीके जैसे जिंजर में जो एक्सिलरी बर्ड है ये किस टाइप का बर्ड होगा? इट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल बर्ड. तो जो जिंजर में एक्सिलरी बर्ड है इट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल बर्ड. ठीक है, तो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम. सपोज दिस इज द ग्राउंड सर्फेस. हियर आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम. ठीक है, एंड इट इज जैसे मैंने बताया इट इज स्फेरिकल और सब स्फेरिकल स्ट्रक्चर. राइट, नाउ ऑन दीज कॉम्स वेरियस नोड्स एंड इंटर नोड्स आर प्रेजेंट. नोड्स आर प्रेजेंट इन अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. सो दीज आर नोड्स एंड द स्पेस बिटवीन टू नोड्स दे आर इंटर नोड्स. इंटर नोड नोड्स के ऊपर क्या होगा? दे विल be present a bud. A bud will be present over the node and this is external bud. ये क्या है? This is external bud or also known as the axillary bud because it is present in the axil of leaf. So scaly leaf is present here also. जितने भी underground ब्रांच स्टेम होंगी उनमें स्केली लीफ प्रेजेंट है एंड दीज स्केली लीफ दे आर ऑल्सो नोन एज कैटरपिल्स. ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द फेवरेबल सीजन व्हेन दे गेट द फेवरेबल सीजन दीज बर्ड्स दे विल स्प्राउट एंड गिव राइज टू द लीफी शूट. तो अब हम देखते हैं ऑन द अराइवल ऑफ द फेवरेबल सीजन. जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा दिस बर्ड विल स्प्राउट एंड गिव राइज टू द लीफी शूट. राइट, ये जो बड है इट विल स्प्राउट एंड गिव राइज टू द लीफी शूट. नाउ एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट हियर. आप देखोगे ऑन दिस द एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रेजेंट हियर. ठीक है, सो इसमें क्या होगा? एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट रहेंगे और दूसरी एक चीज और होती है कि जैसे जिंजर में राइजोम के केस में इट मे बी राइजोम मे बी ब्रांच और मे बी अनब्रांच बट द कॉम्स आर ऑलवेज अनब्रांच. कॉम्स क्या होते हैं? दे आर ऑलवेज अनब्रांच. अच्छा, अब कभी कभी क्या होता है कि जो कॉम्स है कॉम्स के ऊपर आइदर द साइड ऑफ द ओरिजिनल बर्ड जहां पे ओरिजिनल बर्ड था उसके साइड में या उसी की प्लेस पे. ठीक है, सम ऑफ द फूड कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द डॉटर कॉम. ठीक है, जहां पे ओरिजिनली बर्ड प्रेजेंट था. ठीक है, ये तो ये स्प्राउट होकर किसने क्या किया? लीफी शूट बना लिया. अब कभी कभी क्या होगा यहां पे इसी जगह पे क्या होगा? फूड स्टोर कर लेगा. ठीक है, फूड स्टोर हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर कॉम. सो दिस इज द डॉटर कॉम. ये डॉटर कॉम बन रहा है. डॉटर कॉम कैसे बनता है? बाय द स्टोरेज ऑफ फूड. और कहां? एट द सेम प्लेस वेयर ओरिजिनली द बर्ड वॉज प्रेजेंट. ठीक है, नाउ अब ये डॉटर कॉम क्या होगा? ये
this will separate from the plant sometimes. Plant se separate ho jayega and it will give rise to the new plant. Theek hai? In this way, it serves the means of reproduction. Theek hai? It serves the means of reproduction, vegetative reproduction. The daughter comb, kya hoga? It will separate from the parent comb. Theek hai? It will separate from parent plant and parent plant se separate hokar ke, it will form new comb and in this way it plays the role of reproduction. ठीक है? So this is the another underground stem, that is the comb. Example, let's see where they are present. Alocasia, Colocasia, Freesia, Amorphophallus, Amorphophallus and Crocus. These are few examples where the combs are present. Now another type of underground stem modification is tuber. This is the third type, tuber. Tuber kya hota hai? It is also the unbranched stem. And in this, only the tip region is modified for the storage. ठीक है? And it is this is the difference between the tuber and the other type of the underground stem. आपने देखा होगा इसके पहले जो हमने देखा ginger rhizome देखा, comb देखा. Rhizome और comb में क्या था? पूरा का पूरा part जो है the underground stem, it is modified. But in case of tubers, it is only the tip region of the underground stem is modified in for the storage purpose. Okay, so it is also unbranched. Ye unbranched rahega, and only the tip region of the stem is modified for storage. ठीक है? For storage. अब stem है तो इसमें nodes और internodes present रहेंगे. ठीक है? इनमें क्या होगा? Nodes भी present रहेंगे and internodes भी present रहेंगे. Right? Let's see how the tuber is formed. So this is the underground portion. यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे adventitious roots हैं, ठीक है? These are the adventitious roots. Now these are the underground stem जिसका कि tip हो रहा है, जो tip is forming the stem tuber like this. The tip is forming the stem tuber. You can see. Right, this is the stem tuber which is forming at the tip. Right, अब दूसरी चीज क्या होती है कि अगर हम इसको एक enlarged view देखें, let's discuss its a large an enlarged view of this tuber. This is the stem tuber. ठीक है? और स्टेम ट्यूबर का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ पोटैटो. घरों में आप आलू देखते होंगे, तो यही यहां पे मैं उसी का स्ट्रक्चर फॉर्म कर ड्रॉ कर रही हूं. दिस इज द पोटैटो. ठीक है? अब इसमें क्या होता है? नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं. नोड्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द कंसेंट्रिक फॉर्म. ठीक है? दे आर स्पाइरली अरेंज्ड, डिप्रेशंस आर प्रेजेंट which are represented as the eyes. ठीक है? तो spirally
arranged, depressions are present which are known as the eyes. क्यों इसको आईज कहते हैं हम देखेंगे. पहले उसके पहले आप देखिए कि पोटैटो में क्या होता है, देर आर टू एंड्स. एक एंड पे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा नोट्स आईज दिखेंगे, ठीक है. बट एट अनदर एंड यू विल सी द लेसन नंबर ऑफ आईज. सो द एंड वेयर द मोर नंबर ऑफ आईज आर प्रेजेंट, दैट इज द एपिकल एंड और द अपेक्स, एंड दिस एंड इज नोन एज द रोज एंड, ठीक है. सो रोज एंड रिप्रेजेंट्स द अपेक्स ऑफ द ट्यूबर. And why, and how can you differentiate between the apex and the basal region of the tuber? The end, where the more number of the nodes will be present, that end will represent the apex end or the rose end. And the another one end is known as the heel end, where the lesser number of the nodes are present. ठीक है, तो nodes जो होते हैं, they are arranged in concentric rings. ठीक है, कंसेंट्रिक रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. अब इन नोड्स के ऊपर क्या होता है, बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. नोड्स के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं और एक नोड में एक से तीन तक बर्ड प्रेजेंट होते हैं. तो एक नोड का हम इन लास्ट व्यू देखते हैं, लेट्स सी द इन लास्ट व्यू ऑफ वन नोड. तो ये एक नोड है जिसमें कि एक से तीन बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है. इनसाइड वन नोड 1, 2, 3 बर्ड्स आर प्रेजेंट एंड दीज बर्ड्स दे आर सराउंडेड बाय स्केली लीव्स, ठीक है. सो दीज आर द बर्ड्स जिसको कि नोडल बर्ड्स भी कहेंगे या एडवेंटिशियस बर्ड्स भी कहेंगे, एंड दे आर सराउंडेड बाय द स्केली लीफ. और इस तरीके से दे आर गिविंग द अपीयरेंस ऑफ एन आई, एक आंख के जैसा आपको दिख रहा है. आंख का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है आई का स्ट्रक्चर, एंड दैट इज वाई दिस नोड्स आर नोन एज द आई, पोटैटो की आंख. और एक भी ऐसे पोटैटो का आप एक पोर्शन कट करिए जहां पे एक भी नोड प्रेजेंट होगा, और अगर इसको आप फिर सॉइल सरफेस में सो करते हो तो यू विल गेट अ न्यू प्लांट ऑफ द पोटैटो बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द बर्ड्स, एंड दिस बर्ड विल sprout and give rise to the new plant. So अब आपको समझ में आ गया कि potato की nodes को eye क्यों बोलते हैं. These nodes they are also known as the eyes because it gives the appearance of an eye. These are the nodes present, these are the birds present on the nodes. It is node जहां पे की birds present है, and these birds they are surrounded by the scaly leaves. And हाउ मेनी बर्ड्स आर प्रेजेंट, 1, 2, 3 बर्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक है. ये बर्ड्स क्या होंगे, दीज आर एक्सिलरी बर्ड्स. ये कौन से बर्ड हैं, एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड्स. नाउ जो पोटैटो ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर इनमें, इसके पहले हमने कॉम और राइजोम में देखा कि एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट थे, बट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्यूबर एंड द अदर underground stems, that in other underground stems the adventitious roots they are attached with the stem, but here aap dekh rahe ho adventitious roots is not root is not roots are not attached with the tubers, they are totally separate, theek hai. To yahan pe kya hoga, in tubers pe adventitious roots jo honge wo absent honge. Adventitious roots to honge but they are not the part of the tuber, got it. Adventitious root they are not the part of the tuber. So this is the difference between the tuber and the other form of the underground stem. Now let's see few example. Pehla example aapne dekh liya potato, the botanical name of potato is solanum tuberosum, and the another example is artichoke helianthus tuberosus. Right, the another modification of underground stem is very important modification is bulbs. ठीक है, बल्ब्स क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो द अंडरग्राउंड
and condensed shoot. ठीक है, they are underground condensed shoot and they have the reduced convex stem. ठीक है, these are underground condensed shoot and they have the reduced convex stem. ठीक है, इनका जो stem कैसा होगा, reduced convex stem is present in them. ठीक है, at one point and at one point there will be present the whorl of leaf. Leaves जो होंगे they are present in the form of leaf, in the whorl of leaf, right? So leaves are present at one point in the form of whorl. ठीक है, एक whorl के form में leaves present रहेंगे. ठीक है, let's see the structure. Suppose this is the disc, reduced disc. ठीक है, and from this disc many adventitious roots they will arise. ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, इन द सेंटर देर इज अ टर्मिनल बड इज प्रेजेंट. सेंटर में एक टर्मिनल बड प्रेजेंट रहेगा एंड दिस टर्मिनल बड इट विल बी सराउंडेड बाय द फ्लैशी स्केल्स. जो टर्मिनल बड है इट विल बी सराउंडेड बाय मेनी फ्लैशी स्केल्स. सो हेयर आर द फ्लैशी स्केल्स विच सराउंड द टर्मिनल बड. टर्मिनल बड के अलावा यहां पे क्या होगा, कई सारे लेटरल बड्स भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो दे विल बी प्रेजेंट मेनी लेटरल बड्स ऑल्सो. दीज आर द लेटरल बड्स. ठीक है, सो दिस इज टर्मिनल बड एंड दिस टर्मिनल बड इट इज सराउंडेड बाय मेनी फ्लैशी. दिस टर्मिनल बड्स दे विल बी सराउंडेड बाय मेनी फ्लैशी स्केल्स. Besides these terminal buds, many there are lateral buds are also present. Lateral buds भी present रहेंगे. ठीक है, तो अब इसमें adventitious root भी present आप देख रहे हो. These are the adventitious roots also present. Adventitious root भी present रहेंगे. अब can you tell me is it a branched stem or unbranched stem? This is totally an unbranched stem. So this is the feature of bulbs that they are also unbranched stem. ठीक है, now these are the fleshy leaves. Around the leaves there are dry membranous covering is present. Dry membranous covering sheet is present in some cases which is known as the tunica. तो इन लीव्स के चारों ओर फ्लैशी लीव्स जो है इनके चारों ओर क्या होगा, देयर विल बी प्रेजेंट अ ड्राई मेम्ब्रेनस कवरिंग इन सम केसेस एंड दीज ड्राई मेम्ब्रेनस कवरिंग आर नोन एज द ट्यूनिका. ठीक है, सो दिस इज ट्यूनिका विच इज द ड्राई मेम्ब्रेनस शीट कवरिंग. लेकिन ये जो ट्यूनिका होता है इट इज नॉट प्रेजेंट, इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल द केसेस. इन सम केसेस ट्यूनिका आर प्रेजेंट एंड इन सम केसेस ट्यूनिका आर एब्सेंट. नाउ दिस बड, ये जो टर्मिनल बड है, कैन यू टेल मी इज इट अ एक्सटर्नल बड और इंटरनल बड? दिस इज एन इंटरनल बड. ठीक है, तो हेयर दिस टर्मिनल बड इज अ टाइप ऑफ इंटरनल बड. ठीक है, दिस इज एन इंटरनल बड. Now on the basis of the presence or absence of this tunica, bulbs may be of two type. Here is the, this is the example which I have discussed here of onion. ये onion का एक example है. The botanical name of onion is Allium sepa. Allium sepa, it is the botanical name. Now on the basis of the tunica, bulbs are of two type. Bulbs जो होते हैं they are of two types.
on the basis of the presence or absence of tunica. So first is tunicated bulb and the another one is scaly bulbs. Tunicated bulb and the second one is scaly bulb. So jahan pe tunica present rahegi unko tunicated bulb kahenge, jahan pe tunica absent rahega they are known as the scaly bulb. Ab tunica tunicated bulb mein kya hota hai, jo fleshy scaly leaves hai they are present in concentric rings. ठीक है, इस तरीके से देख रहे हैं आप यार, अगर हम इसका TS काटे ट्रांसवर्स सेक्शन अगर कट करेंगे, सपोज मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करती हूं यहां से, तो आपको इस तरीके से यू विल सी सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सो हियर दीज फ्लैशी स्केली लीव्स दे आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक रिंग्स. सो इन केस ऑफ ट्यूनिका द फ्लैशी स्केली लीव्स दे आर अरेंज्ड इन leaves they are arranged in concentric rings and such type of situation is absent in case of scaly leaves. Scaly bulb mein is tarike ki there is no concentric ring of fleshy leaves are present, right? Now their fleshy part in the this fleshy part is present on the outer side of the bud, theek hai, and this is on the outer side of the fleshy bud, fleshy part, the leaf base are present. This is the leaf base which is present on the outer side of the fleshy bud in case of tunicated bulb, but this is absent in scaly bulb. Let's see the few examples. Tunicated bulb ka example hai onion. एक मैंने बता दिया एलियम सेपा. अनदर एग्जांपल इज गार्लिक. इसका बोटेनिकल नेम होता है एलियम, ए स्टैंड फॉर एलियम सैटिवम, एलियम सैटिवम एंड दिस इज एलियम सेपा. इन केस ऑफ स्केली बर्ग द एग्जांपल इज लिली. लिली Lilium bulbifera. Botanical name of lily is Lilium bulbifera. Next, modification of subaerial stem. Modification of subaerial stem. We will discuss four categories under this modification, and these four categories are as follows. Number one is runner. Second number is stolen. Then we will discuss offset, stolen, offset, and then sucker. ठीक है, चार कैटेगरी में हम इसको डिस्कस करेंगे. दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेवेरियल स्टेम. रनर, रनर जनरली इट इज प्रेजेंट इन, यू कैन सी देम इन दूब ग्रास और द लॉन ग्रास. आपने देखा होगा आपके घरों में धूप ग्रास और लॉन ग्रास रहता है. द बोटेनिकल नेम इज साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन. तो इनमें क्या होता है, दीज रनर्स दे आर हॉरिजॉन्टल ग्रीन नैरो एंड प्रोस्ट्रेट ब्रांचेस. ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं, दीज आर these runners are horizontal green and prostrate branches. इनमें क्या होगा, जैसे कि पता है ये stem है तो इनमें nodes भी present होंगे और internodes भी present होंगे. ठीक है, अब nodes पे क्या होता है, bud present होते हैं, nodes पे leafy shoot present होता है like this,
The leafy shoot is present on the node. ठीक है. This leafy shoot, it is known as the crown. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं crown. And at the this is the node. ये क्या है? ये node है. And this is also a node. And between these two nodes, internodes present. This is the internode. This region. अब node के upper aerial region में तो crown present है. And in the below ground, it is roots which are present here. Now at the base of the crown, crown के base पे क्या होगा? Crown के base पे there will be present the bud. This is the bud which is present at the base of the crown. अब इनमें जो है normal leaves absent होंगी, ठीक है? Branches होंगी, but they are normal leaves absent. These are only the leafy shoot, but they are the normal leaves जो होंगे इनमें क्या होती है? Normal leaves जो हैं absent होंगी. This is leafy shoot which is known as the crown. Now ये bud जो है, now this bud is which type of bud? It is axillary bud. This bud will sprout. ये bud sprout करके this will form the horizontal prostrate branch. ये जो horizontal prostrate branch form हो रही है, this is formed by this bud. ठीक है? तो this is the axillary bud which is present at the base of the crown, and this axillary bud, it will sprout and it will give rise to the horizontal. This bud will sprout. This bud will sprout and it give rise to the horizontal green and prostrate branch. Prostrate branch that is known as the or stem which is known as runner. ठीक है? ये bud sprout करेगा और it will form this runner. अब यहाँ पे फिर अगला bud अगला node आएगा और उस अगले node पे फिर again it will form the crown. This is the crown. And below that crown, the leaves of adventitious shoot is present, right? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अच्छा ये जो nodes हैं, they also consist of scaly leaves, ठीक है? इनपे green leaves, normal leaves तो नहीं रहेंगे, but they will consist of scaly leaves. So these are the scaly leaves, which are present on the runners. अब ये जो runners हैं यहाँ पे इनमें how many internodes are present? In the case of runner, more than one internode may be present. यहाँ पे क्या होगा? More than one internode may be present. ठीक है? दूसरी चीज क्या होती है? They can these buds they can sprout and give rise to many runners in many direction. कई सारे direction में they can give rise to the different branches of the runner. This is present in the dewgrass or cyanodon, dactylon. Next type of modification is stolon. Stolon क्या होता है? इसकी भी ये भी it is also like runner. Runner की तरह ही होगा. लेकिन stolon में क्या होता है? जो bud है, पहले it will show oblique growth, and then it will arc down, and then further at the nodes it will give rise to the leafy shoot and the roots. Let's see how the runner, how the stolons are, they show the growth. So this is suppose this is the stolon, this is node here. Its node pe kya hoga? It is the weak aerial stem. So these are the adventitious root system. Now these are the leafy shoot. Suppose this is the leafy shoot. At the base here the node is present. ये node present है, this node will sprout and it will give rise to the branches, this is the stem. So यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो node है, ये bud है at the node, this bud will sprout and it will give rise to the horizontal branch. लेकिन ये branch पहले क्या हो रहा है? It is showing oblique growth. This will show oblique growth slightly upright in the position. जैसे कि runner है, it is totally parallel to the ground surface. यहाँ पे ये oblique growth show करेगा. इसके बाद it will arc down.
Again, at the node will touch the ground. Okay, this is the ground surface, and it will give rise to the root system, and further the new plant will be formed like this. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोलन में क्या हो रहा है, they are like the runner, they show the growth like the runner, but initially they are showing the oblique growth. ठीक है, oblique growth show कर रहे हैं, and after that it will arc down, ठीक है, and form the leafy shoot on the above ground, and below the ground it will form root system. ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, how many internodes are present here, इसमें भी क्या होगा, and this is known as the stolon, इसको बोलते हैं stolon. So यहाँ पे क्या होगा, more than one internode also present in this case. इसमें भी क्या होगा, एक से ज़्यादा internode present रहेंगे, और इनके केस में जो इंटरनोड होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट इंटरनोड. ये जो इंटरनोड है विच इज ऑल्सो नोन एज द स्टोलन हेयर, इट इज द लॉन्गेस्ट इंटरनोड. ठीक है, एग्जाम्पल इट इज प्रेजेंट इन जैस्मीन एंड पेपरमिंट. यू राइट द एग्जाम्पल इन केस ऑफ जैस्मीन, इन केस ऑफ पेपरमिंट. Now next type of subaerial stem is offset. Offset भी जो है it is also again like the runner, लेकिन they are also horizontal, but there is one difference. Offset में runner में आपने क्या देखा कि there are many internodes, more than one internode, and these internodes they can grow in any direction. मतलब ये जो bud है ये sprout होके जो ये रनर बना रहा है, ये रनर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं ग्रोथ होगा, इट कैन बी ग्रोन इन एनी डायरेक्शन, कहीं भी ये रनर जो है ग्रो कर सकता है. लेकिन इन केस ऑफ ऑफसेट इट ग्रोज ओनली इन वन डायरेक्शन एंड ओनली वन इंटरनोड इज प्रेजेंट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफसेट एंड रनर. ठीक है, तो हेयर इन केस ऑफ ऑफसेट ओनली वन इंटरनोड इज प्रेजेंट, ओनली one internode is present. ठीक है, एक example हम देखते हैं, इसीलिए चूंकि इसमें सिर्फ एक internode present होता है it is also known as single internode runner. So offset is also known as single internode runner. offset को और क्या बोलते हैं, single internode runner. offset का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप अपने घरों के पास तालाबों में देखते होंगे, पूरा तालाब भरा रहता है विद द आइकॉर्निया. ठीक है, वाटर हाइसिंथ, दिस इज द मोस्ट नॉक्सियस वीड आइकॉर्निया, इट्स बोटानिकल नेम इज आइकॉर्निया क्रेसिप्स. इट इज द मोस्ट नॉक्सियस एक्वेटिक वीड. ठीक है, aquatic weed. So let's see, suppose this is the Icornia, this is the offset of Icornia, and its node, yahan pe ye node hai, these are the nodes, and between the nodes these internode present. Ab Icornia ke case mein, Icornia jo ki offset ko represent kar raha hai, iske case mein kya hota, sirf ek internode present hai, and at the node there is present the tuft of leaves. theek hai, these tuft of leaves are present at its at the node, at its node in the aerial position above ground. basically it is a water plant, so these tuft of leaves they will present on the above water surface, and below the node the tuft of roots are present. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दो ही लीफ दिखा रही हूँ, but it may consist more than two leaves which is known as tuft of leaves. ठीक है, so these are the
tuft of leaves present on the node, and these are the tuft of roots below the water surface, right? अब इसमें जो है in case of offset जो internode होते हैं it is the shortest internode among all these four. अभी आप इस अगर भी आप देखेंगे तो जितने भी weak जितने भी subaerial stem हैं all of these four out of all these four the shortest internode is present in offset. ठीक है तो here the shortest internode is present and number of internode is only one internode is present, whereas in case of runner, in case of stolen, more than one internodes are present. One example is water hyacinth or Iconia. One more example, you please write it down, it is Pistia. And the last type of the subaerial stem is sucker. Sucker is found in, you can see them, chrysanthemum. Winter season mein chrysanthemum aapne dekha hoga. Bahut hi acche se blossom hote hain. It is also present in mint. Theek hai? Mint. So, Mentha arvensis, mint. Sucker mein, chalo ek pehle dekhte hain. Suppose this is a plant. This is a plant of chrysanthemum. And ye jo hai, this is the मेन स्टेम. ये क्या है, ये मेन स्टेम है. अब ये जो मेन स्टेम है ना, इसका दिस इज द अबव ग्राउंड पार्ट, दिस पार्ट इज अबव ग्राउंड पार्ट एंड दिस इज द बिलो ग्राउंड पार्ट. यहां पे क्या होगा, इन केस ऑफ सकर स्टेम का कुछ पार्ट जो है इट विल आल्सो प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड. नाउ इन दिस बिलो ग्राउंड पार्ट देयर इज A bud present at the node. Nodes पे bud present रहते हैं. This bud will sprout and it will form the horizontal branch. So here this bud is sprouting and it is forming the horizontal branch. So this is the bud and which after sprout gave rise to the horizontal branch. ठीक है, तो यानी कि इसने क्या किया, this branch, this stem, it showed horizontal growth. After certain distance, after covering certain distance, it will show oblique growth and it will come up from the soil surface. ठीक है, soil surface से ऊपर आने के बाद it will form a leafy shoot. It will form a new leafy shoot like this. ठीक है, a new plant and at the base it will form root. और जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म करते हैं तो यहां से इसको कट कर दिया जाता है एंड वी प्लांट दिस न्यू बेबी प्लांट इनटू एट अनदर प्लेस टू गेट द न्यू प्लांट. सो दिस इज हाउ यू कैन सी इन केस ऑफ सकर, फर्स्ट दिस अंडरग्राउंड स्टेम. सो दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम हियर व्हिच इज फॉर्मिंग द सकर. ठीक है, तो फर्स्ट इट विल शो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, देन इट विल शो ऑब्लिक ग्रोथ. ठीक है, ये ऑब्लिक ग्रोथ शो करेगा एंड देन इट विल कम अप फ्रॉम द सॉइल सरफेस एंड फॉर्म अ न्यू शूट सिस्टम. सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड दिस इज व्हाट इज द सकर. नाउ इन केस ऑफ सकर देयर इज आल्सो मोर देन वन इंटरनोड प्रेजेंट. हियर आल्सो मोर देन वन इंटरनोड मे बी प्रेजेंट. ठीक है, एक से ज्यादा इंटरनोड यहां भी प्रेजेंट रहेंगे. So this is all about the sub modification of sub aerial stems.